हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं नहा चुकी हूँ। आज मैं बहुत जल्दी नहाई हूँ और मैं जा रही हूँ बनाने नाश्ता। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ आज पोहा। तो मैं आज सोच रही हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ पोहे की रेसिपी। तो आइए चलते हैं किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ पोहा कैसे बनाना है। आइए चलते हैं। तो फ्रेंड, मैंने ले लिया है एक कटोरी पोहा। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि इसके अंदर कहीं धान वान तो नहीं है, तो इसको हम साफ कर लेंगे और फिर हम इसको भिगोएंगे। तो फ्रेंड, पोहे को हम अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे, कहीं इसमें कुछ है तो नहीं। तो इसको 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे। जब तक पानी साफ ना निकले जब तक इसको धोते रहेंगे। तो गाइस, हमने इसमें तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली के दाने। तो हम इनको फ्राई करेंगे। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, फिर इसमें हम और सामान डालेंगे। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। फ्रेंड, हमारी मूंगफली फ्राई हो चुकी है। फ्रेंड, ये जो हमने भी मूंगफली तली थी वही वाला तेल है। इसमें हम डालेंगे जीरा और राई। तो जीरा राई हमारे भुन चुके हैं। अब इसमें डालूंगी मैं प्याज। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी और इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें हल्का सा ही भूनना है। मैं साथ में ही डाल देती हूँ शिमला मिर्च। इसको हम हल्का सा भूनेंगे, फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइस, आज सुबह का नाश्ता हमारा बन रहा है पोहा, और मैं आपको रेसिपी भी दिखा रही हूँ साथ के साथ में। तो और चाय बन चुकी है हमारी, तो मैंने पी ली थी पहले ही, तो इसीलिए अब हम खाएंगे पोहा। तो बन रहा है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारी प्याज अभी पूरी अच्छे तरीके से गली नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, जिससे कि प्याज हमारी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसमें हम डाल देते हैं नमक। और मैंने मटर अलग से ही बॉईल करके रखी हुई है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए हल्की सी ब्राउन हो चुकी है और हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। क्रंची क्रंची अच्छी लगती है ये। तो बस मैं इसमें डालूंगी मसाले। और ये देखिए, मैंने मटर बॉईल की हुई है तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। मैं डाल दूंगी इसमें मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और ये गरम मसाला। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा विनेगर। ये मैं बना रही हूँ चाइनीज स्टाइल में। थोड़ी सी चिली सॉस और थोड़ी सी सोया सॉस। आप फ्रेंड इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल चाइनीज वाला कलर आया है इसमें। अब इसमें डाल देंगे हम अपने पोहे जो हमने धोए थे। और डाल देंगे अपने मूंगफली के दाने।
और इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल नमकीन लग रही है ये पोहा, कम नमकीन ज़्यादा लग रही है। और इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड आपने देखा मैंने पोहा बनाया, और पोहे में मैंने थोड़ा सा चाइनीज टच दिया है। आपने देखा था मैंने सोया सॉस डाली थी और विनेगर डाला था, तो ये चाइनीज टाइप में बन चुका है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं खा के भी बताती हूँ आपको कैसा बना है। खाने में भी बहुत अच्छा है ये। और गाइस आपने देखा कितनी जल्दी बन गया ये, और ज़्यादा टाइम नहीं लगी इसमें। तो आज मैंने सुबह के नाश्ते में पोहा ही बनाया था। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा मैं अकेले खाऊंगी, नहीं ये सिर्फ चार जनों के लिए है। तो आशु चिंटू और वो और मैं सिर्फ चार लोग हैं, तो हम सिर्फ चार लोग खाएंगे इसको। तो आप बताना कि आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।